हेलो गाइस, मेरा नाम है शानवाज और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंसर्स के बारे में जो कि मोबाइल्स में यूज़ होते हैं। मोस्टली आप लोगों को पता होगा सेंसर्स क्या काम करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन आपको उसके नाम नहीं पता होगा, या तो आपको नाम पता होगा उसका काम नहीं पता होगा कि क्या काम करते हैं ये सेंसर्स। तो आज हम लोग देखेंगे यही कि कौन सा सेंसर्स क्या काम करता है और कौन सा सेंसर का यूज़ क्या है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया या इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलिए, और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अगर आप चाहते हो कि नॉलेज और दूसरे लोगों तक पहुँचे। तो पहला सेंसर है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर हर मोबाइल में आता है, ज़्यादातर मोबाइल में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स यूज़ होते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम यह है कि जब भी आपको फ़ोन आता है या आप फ़ोन करते हो किसी को, जैसे ही आपने फ़ोन पिकअप किया और फ़ोन पिकअप करते ही आपने जैसे कान पर लगाया तो ब्लैक लाइट हो जाता है, आपका जो फ़ोन है ब्लैक हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। तो ये काम प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही करता है, जैसे ही आप फ़ोन उठाए और फ़ोन कान पर लगाए या उसके बीच में कुछ भी आया तो फ़ोन ब्लैंक हो जाएगा, जिससे आपका कॉल कट नहीं होगा या होल्ड पर नहीं जाएगा या कोई भी बटन नहीं दबेगा, इसलिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज़ होता है। सेकेंड सेंसर आता है जायरोस्कोप सेंसर। जायरोस्कोप सेंसर्स क्या काम करते हैं, जैसे कि आपने अगर फ़ोन में गेम वगैरह खेला रहेगा, कार रेसिंग गेम वगैरह या पबजी में भी जायरो सेटिंग वगैरह आता है, अगर आप जायरो सेटिंग ऑन करोगे या आप कार रेसिंग या बाइक रेसिंग के गेम खेलोगे, आप फ़ोन को जैसा टर्न करोगे वैसा बाइक या कार आपका जाएगा। तो ये जायरो सेंसर का काम होता है। जायरो सेंसर यही काम करता है, आप जैसा भी फ़ोन रोटेट करोगे वैसा आपका कार या बाइक रोटेट होगा। लिस्ट में तीसरा सेंसर आता है लाइट सेंसर। लाइट सेंसर क्या करता है, आपके मोबाइल के ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है डे लाइट के हिसाब से या सनलाइट के हिसाब से, आपके मोबाइल को लाइट कितना ज़रूरत है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है। अगर आप धूप में बाहर निकलोगे तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस फुल हो जाएगा, आप जैसे ही कम लाइट वाले एरिया में आओगे तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक एडजस्ट होके कम हो जाएगा। लिस्ट में चौथा सेंसर एक्सेलेरोमीटर सेंसर। ये सेंसर क्या काम करता है, ये सेंसर काम करता है आपके फ़ोन के रोटेशन के लिए। अगर आप फ़ोन को हॉरिजॉन्टल सीधा पकड़ोगे तो फ़ोन सीधा रहेगा, आप फ़ोन को लैंडस्केप पकड़ोगे तो फ़ोन का जो भी सेटिंग वगैरह है, आइकन वगैरह है, वो लैंडस्केप में हो जाएगा। ये सेंसर का बहुत ही ईजी काम है, लेकिन ये ज़्यादातर फ़ोन में यूज़ होता है। ये सेंसर बहुत ही पॉपुलर है और ये मोस्टली 100% सभी फ़ोन में आता है लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करने के लिए। लिस्ट का आखिरी और बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाने वाला सेंसर है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर का काम क्या करता है, जैसे कि आप फ़ोन में यूज़ करते हो फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ करते हो, फेस अनलॉक यूज़ करते हो, तो ये बायोमेट्रिक सेंसर कहलाता है। आप जब भी फ़ोन ओपन करने जाओगे बायोमेट्रिक से, मतलब फेस अनलॉक से या तो फिंगरप्रिंट से, तो इसे हम बायोमेट्रिक सेंसर कहते हैं। आसान लैंग्वेज में इसे फिंगरप्रिंट सेंसर कहते हैं या फेस अनलॉक कहते हैं या फेस आईडी वगैरह कहते हैं। तो ये इजीली काम करता है और मोस्टली अभी सभी फ़ोनों में आता है, कुछ फ़ोनों में फ्रंट में आता है, इन डिस्प्ले आता है, कुछ फ़ोनों में रेयर में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है या इन्फॉर्मेटिव लगा है या आपको कुछ ऐसा लगा है कि इस वीडियो से आज आपको कुछ ज्ञान मिला है, कुछ जानकारी मिली है, तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और जिनको इन सेंसर्स के काम के बारे में नहीं मालूम है कौन सा सेंसर क्या काम करता है, तो वो अपने दोस्तों को या किसी और को शेयर करके बता सकते हैं कि देख तेरे फ़ोन में ये सेंसर ये काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।